दोस्तों मेरा नाम संतोष यादव है और आज की कहानी है वो भागी हुई लड़की, जिसे लिखा है नीता राठौर ने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बारिश की बूंदें टप टप करती नृत्य कर रही थी और वो हाथों में चाय का कप लिए बालकोनी में बैठी मुग्ध भाव से इन टपकती बूंदों के नृत्य को निहार रही थी। बारिश में नहाए पेड़ खुशी से झूम रहे थे, धरा आसमान से बरसते इस प्यार को खुद में समेट लेने में मग्न थी। कितना प्यार करते हैं ना ये बादल, जितना धरा को तरसाते हैं उतना ही फिर इतना बरसते हैं कि विरह की तमाम शिकायतें इन बूंदों में धुल जाती है। प्यार जहाँ एक और प्यारा एहसास है, जीवन की हर लय हर संगीत है वही। विरह में कितनी वेदना है, तपन है, दर्द है, सुनापन है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी तभी डोरबेल बजी। अभी कौन होगा, उसके घर कोई आता जाता नहीं। जब से वीरेन गए हैं तब से उसने हर एक से नाता तोड़ लिया है। किसी के सवालों का जवाब देती भी तो क्या। वीरेन ने शादी के 30 साल बाद उसके साथ जो किया, इतना बड़ा छल कौन करता है। लोगों की बेचारगी भरी नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। डोरबेल फिर बजी। वो चाय का कप वहीं छोड़ दरवाजे की तरफ बढ़ी। हॉल से झांका तो एक बार अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। कदमों की आवाज बाहर खड़े व्यक्ति ने सुन ली थी, मगर दरवाजा न खुलने पर उसके हाथ डोरबेल पर ही जम गया। वो बार बार डोरबेल बजाया जा रहा था। तुम और यहां क्यों? मैं यहां नहीं हो सकता, किसी और का इंतजार था क्या? श्वेता हंसे या रोए, उसके गले लग जाए या उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दे, वो समझ नहीं पा रही थी। अब अंदर आने देगी या यहीं खड़े रखने का मन है? हाँ, श्वेता दरवाजे से हटी। वो अंदर आकर पूरे घर का मुआयना किया। अकेले रहती हो? जब तुम छोड़ के भाग चुके थे तो बेटिया की शादी के बाद अकेले ही रहना था। अरे दूसरा खसम कर लेती, अकेले ही नहीं रहना पड़ता। उसी तरह जैसे तुमने दूसरी जनानी कर ली, श्वेता तलखी से बोली। हे बकवास बंद कर, भूख लगी है, कुछ खिलाएगी भी या बस लड़ती रहेगी? श्वेता का मन किया कह दे वही खिलाएगी जिसके पास गए थे, मगर बिना कुछ बोले वो किचन में गई और खाना बनाने लगी। जितनी तेजी से उसके हाथ चल रहे थे उतनी ही तेजी से यादों का कारवां भी जहन में गुजर रहा था। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी। वो बस स्टैंड पर अपने अब्बू का टिफिन लेकर उनका इंतजार कर रही थी। बारिश के कारण शायद अब्बू कहीं फंस गए थे। तभी एक ऑटो रुका और उसमें से सजीला सा युवक उतरा। उसने पैसे दिए और भागते हुए उसके करीब आकर खड़ा हुआ। वो थोड़ा सिमट गई। उस युवक ने जेब से रुमाल निकाला, अपना चेहरा पोछा और बालों को लापरवाही से झटक दिया। वो चुपचाप उसे कनखियों से देखती रही। युवक ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसने अपनी नजरें घुमा ली। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में अब्बू का इंतजार ही कर ले, घर भी तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो बैठी रही। युवक की बस भी आने का नाम नहीं ले रही थी, वो भी बस के इंतजार में बैठा था। ये उनकी पहली मुलाकात थी, जिसे मुलाकात का नाम भी नहीं दिया जा सकता। उसके बाद जब भी वो अब्बू के लिए टिफिन लेकर आती अक्सर वो युवक उसे दिख जाता। धीरे धीरे एक सिलसिला बन गया, एक दूसरे को ना देखे तो बेचैनी से होने लगी। इस तरह कब वो दोनों प्यार की डोर में बंध गए पता ही न चला। युवक अपने चादर के बिजनेस के सिलसिले में वहां आता था। हरियाणा का रहने वाला जाट था वो,
आकर्षक चेहरा, घनी मूंछ, उड़ते रेशमी बाल, एकदम गबरू जवान। वही श्वेता एक मुस्लिम थी, 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी। उसकी आंखें लगता अभी बोल पड़ेगी। बड़े बड़े होठ, घुंघराले बाल, लंबा कद और इकहरा बदन, खूबसूरत थे, किसी को भी अपनी ओर खींचने में कामयाब। इतना ही नहीं बल्कि जो एक बार देख ले उसे हमेशा अपने जहन में कैद रख ले। श्वेता उस युवक के प्यार में ऐसी पड़ी कि जब एक दिन उसने उसकी मांग में अचानक सिंदूर भर दिया तो वो बिना आ पीछा सोचे विलन का हाथ थामे चली आई। श्वेता ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे परिवार पर क्या गुजरेगी। वो केवल एक बात जानती थी, वो वीरेन से बहुत प्यार करती है और वो वीरेन ही उसकी दुनिया है। श्वेता की उम्र यही कोई 17 साल की रही होगी जब वो वीरेन के साथ भाग आई थी। उसके बाद उसने पलटकर कभी नहीं देखा। प्यार में अंधा होना से कहते हैं, ये देखना हो तो श्वेता को देखो। वीरेन का हर लव उसके लिए पत्थर की लकीर होता। वीरेन ने ले जाकर उसे जब अपनी माँ के सामने खड़ा किया तो माँ अचंभित रह गई। दूसरा ले आया और वह जो अंदर बैठी है उसे क्या कहूंगी? अब तू इसको संभाल, तुझे जो कहना है तू देख ले, तेरा बेटा तो ले आया इसे, भले तू सेवा करवा इससे या रानी बनाकर रख, ये तो तेरे सामने खड़ी है। तो क्या वीरेन पहले से? वो कुछ सोचती या पूछती उससे पहले ही एक बच्ची दौड़ती हुई आई और वीरेन के कदमों से लिपट गई। अल्ले लल्ले मेला बेटा, दादी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुमने, आजा। कहता हुआ वीरेन अंदर कहीं चला गया और श्वेता वहीं सांस के सामने खड़ी रह गई। ये थी वीरेन की हकीकत। सास ने उसे अपनाया तो, मगर वो घर वीरेन की पहली बीवी का था, उसे वहां रहने की परमिशन नहीं थी। जब तक वो वहां रही वीरेन अपनी बीवी के साथ ही रहा, वो एक शब्द तक नहीं बोल सकी। एक बार उसे घर से भागने की गलती का एहसास हुआ भी, पर अब किस मुंह से घर लौटती? बीवी नाम का दर्जा उसे वीरेन के परिवार में कभी नहीं मिला क्योंकि वो भागकर आई हुई थी। ये दर्जा हमेशा ही कलंक की तरह साथ रहा। वीरेन उसे लेकर शहर दर शहर भटकता रहा। जहां जहां वीरेन का काम चलता वो भी वहां वहां साथ होती। उसके लिए ये साथ भी कम नहीं था। घर परिवार में ना सही, बाहर हर जगह वही वीरेन की बीवी कहलाती थी। शहर दर शहर भटकने के साथ श्वेता में भी बदलाव आ गया, मगर ये बदलाव केवल पहनावे और बोलचाल में ही रहा। वीरेन को टिप टॉप रहने वाली मॉडर्न श्वेता चाहिए थी। वीरेन की पसंद के हिसाब से नहीं रहने पर मिलने वाली सजा ऐसी होती कि उसकी रूह कांप उठती। एक बार कड़कती ठंड में वीरेन ने आधी रात को घर से निकाल दिया था। श्वेता रात भर घर के बाहर बैठी ठिठुरती रही और वीरेन मजे में सोता रहा। उसने एक बार भी उठकर बाहर नहीं झांका। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ जब सजा के रूप में वीरेन ने श्वेता के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया। श्वेता सिहर उठी। एक बार उनकी बेटी के हाथ से एक सिक्का नाली में गिरने पर वीरेन ने पैसे का महत्व समझाने के लिए उसे नाली में से उस सिक्का ढूंढने की सजा दी थी। 4 फीट गहरी नाली में से 3-4 साल की बेटी कैसे सिक्का खोजेगी, उसके एक बार भी ये नहीं सोचा। नाली में उतरने पर वो कमर तक गंदगी से लथपथ हो गई थी। आखिर श्वेता को ही वो सिक्का खोजना पड़ा। रख खाना बनाने में और कितने देर लगेगी? वीरेन की पुकार सुन वो यादों से लौट आई, झटपट थाली परोसी और वीरेन के सामने लगा दी। इसमें जहर तो नहीं मिला दिया तूने? वो मुस्कुराया, फिर श्वेता का हाथ खींचकर वहीं बिठा लिया। तेरे को पता है ना, तो साथ होती है तो कैसा खाता हूं मैं। यहां शराब नहीं पी सकोगे, मकान मालिक की शर्त है ये, श्वेता किसी तरह बोली। अच्छा ऐसा है,
तो नहीं पीता। चल तू भी आ जा, रोटी साथ ही खाते हैं। वीरेन ने श्वेता का हाथ खींचकर करीब ही बैठा लिया। श्वेता ने किसी तरह खाना हलक से नीचे उतारा। क्या इस आदमी से अब भी मोहब्बत है मुझे, जिसने मुझे हर कदम पर धोखा दिया? वो फिर क्यों लौटा है? क्या फिर कोई नया धोखा या ये सुधर गया? सवाल लगातार श्वेता को चकरा रहे थे। वीरेन के खाने के बाद उसने बर्तन समेटे, उसका सर दर्द करने लगा था। तेरी बेटिया कैसी है? सिर्फ मेरी बेटिया? तुम्हारी बेटिया नहीं है वो? श्वेता ने प्रति प्रश्न किया। रैक की बात है, जो तेरा है वो मेरा है। और जो तुम्हारा है वो मेरा नहीं है? जुबान बहुत चलने लगी है तेरी, भूल गई या याद दिलाना पड़ेगा पति से कैसे बात करते हैं? सुन, अब यहीं रहना है मुझे, रोज रोज ये बकवास नहीं सुननी मुझे, समझे? श्वेता पिछले 3 साल खुद से लड़ते हुए खुद को मजबूत बनाने में जुटी थी। वीरेन 3 साल पहले उसे अचानक बिना बताए गायब हो गया था। उसे खोजने को श्वेता ने क्या कुछ नहीं किया। वीरेन मिला भी एक नई रंग रूटीन के साथ, नया नशा हावी था वीरेन पर। उसने श्वेता को बुरी तरह धुतकार कर भगा दिया। वो जब भी फोन करती वो गंदी गंदी गालियों से उसे और उसके पूरे परिवार को नवाजता, उसके चरित्र के चिथड़े उड़ा देता। श्वेता रोती बिलखती, उसे फिर लौटने का इसरार करती, बच्चों का वास्ता देती, मगर वीरेन जो गया तो फिर ना लौटा। और आज आते ही वीरेन ने उसकी मजबूती के परखच्चे उड़ा दिए थे। उसकी तरफ, उसकी वेदना, उसकी लाचारी वीरेन के आते ही लड़खड़ा कर ढह गई। वो एक बार फिर वही श्वेता बनने लगी थी। ओए सुन, नींद आ रही है, थोड़े पैर दबा दे, सुबह फील्ड पे जाना है। कहते हुए वीरेन ने पैर फैला दिए। वीरेन ने एक बार भी श्वेता से ये नहीं पूछा कि तू कैसी है, मेरे जाने के बाद घर खर्च कैसे चला, लड़कियों की शादी कैसे की। वीरेन जल्दी ही खराटे भरने लगा था, मगर श्वेता की नींद गायब थी। वीरेन के साथ हर कदम पर कंधे से कंधा मिला के जीवन की जंग लड़ी थी उसने, और जब लगा कि सुख के दिन आ गए, तभी वीरेन की मोबाइल की रिंग बजी। श्वेता ने देखा कॉलर में किसी लड़की का फोटो दिख रहा था। वो हाथ बढ़ाती इतने में वीरेन ने कॉल काट दिया और मोबाइल तकिए के नीचे रख कर सो गया। अब रोज का यही सिलसिला रहता, कभी नाश्ते के समय, कभी खाने के समय, कभी आधी रात को मोबाइल बजता और वीरेन कॉल काट देता। वो मोबाइल को हमेशा साथ ही रखता, यहाँ तक कि नहाने जाता तब भी साथ लेकर जाता। श्वेता की जिंदगी फिर पहले की तरह पटरी पर आने जरूर लगी थी, पर वो वीरेन का धोखा भूल ना सकी थी। वीरेन ने अपनी भव्य कोठी बनवाई, वीरेन अपनी माँ को भी ले आए थे। जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी तो श्वेता थोड़ी लापरवाह सी होने लगी थी। बड़ी होती बेटियाँ कई बार विद्रोह पर उतर आती और श्वेता पहली बार बेटियों के साथ खड़े होने की हिम्मत की थी। वीरेन को अपना सारा नियंत्रण छूटता नजर आने लगा। उसे श्वेता और बेटियों को याद दिलाना था कि इस घर में वो क्या है। वीरेन ने माँ को फिर से अपनी बीवी के पास छोड़ा और इस बार जो गया तो लौटा तक नहीं। उसके जाने के कुछ ही दिन बाद कोठी का नया मालिक कोठी खाली कराने आ गया। पता चला वीरेन 60 लाख में कोठी बेच चुका है। श्वेता के कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। श्वेता ने वीरेन को बहुत कॉल की पर उसका कोई अता पता ना था। वीरेन के तमाम नंबर बंद थे। उसने रिश्तेदारों के जरिए वीरेन से बात करने की कोशिश भी की, मगर वो वीरेन की बीवी नहीं बल्कि भगोड़ी थी, इसलिए किसी ने कोई सहायता नहीं की। श्वेता वहाँ भी गई जहाँ वीरेन की बीवी रहती थी। पता चला वो तो काफ़ी समय पहले कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। श्वेता बेटियों के साथ सड़क पर थी। श्वेता वीरेन के इस धोखे से टूट गई थी। ऐसे में बेटियों ने हिम्मत की, बैंक से लोन उठाया और अपना काम शुरू कर दिया। बेटियों की हिम्मत रंग लाई, उसका काम जम गया, एक बेटी की जॉब भी लग गई। इस तरह घर खर्च सुचारू रूप से चलने लगा।
वीरेन के बारे में नई नई जानकारियां छन छन के आने लगी। वीरेन के कई अफेयर चल रहे थे। बेटियों ने माँ के डिप्रेशन का इलाज करवाया। थोड़ा ठीक होने पर श्वेता ने बेटियों की शादी उनकी पसंद के लड़कों से कर दी। अब श्वेता थी और उसका बिजनेस। मगर वीरेन के एक बार फिर लौट आने से श्वेता समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, अपना पति धर्म निभाए या। तभी वीरेन का मोबाइल बज उठा और श्वेता यादों से लौट आई। वीरेन अपना मोबाइल भूल गया था। उसने तुरंत नंबर देखा, उसी लड़की की फोटो लगी थी जो हमेशा कॉल करती रहती थी। श्वेता ने नंबर नोट किए, तब तक फ़ोन भी बंद हो गए। श्वेता ने कांपते हाथों से मोबाइल ओपन किया। व्हाट्सएप पर जब वो नंबर देखा तो उसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की ने मैसेज में आने का जिक्र किया था। बदले में वीरेन ने उसे समझाया था कि बिजनेस पार्टनर घर रुका है, यहाँ बार बार कॉल ना किया करे, वक्त मिलने पर वो खुद कॉल कर लिया करेगा। वीरेन ने उसे कुछ महीने सब्र रखने को कहा था। जब वो जीत पर उतर आई तो वीरेन ने उसे समझाया कि होटल महंगा पड़ेगा, इसलिए वो पार्टनर के यहाँ रुका है। इन बचत के पैसों से वो उसे सोने की झुमकी खरीद देगा। श्वेता सन रह गई। एक बार फिर वीरेन उसे धोखा दे रहे थे। अब फैसला करने की घड़ी थी, ता उम्र धोखा ही खाना है या वीरेन को सबक भी सिखाना है। उसने मोबाइल उसी तरह रख दिया और वीरेन को किसी तरह सबक सिखाया जाए यही सोचने लगी। ओए ओए सुन, इस बार मुझे लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा, तेरे लिए क्या लेकर आऊँ बता। श्वेता वीरेन को सबक सिखाने को पूरी तरह तैयार थी। वीरेन के जाते ही श्वेता ने अपना बिजनेस समेटा, मकान खाली किया और बेटियों के पास पहुँच गई। वीरेन के धोखे का जवाब श्वेता ने उसी के तरीके से दिया। बेटियों के पास जाने से पहले श्वेता ने वीरेन को पत्र लिखा। घर से भागना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हारे प्यार और आतंक में जीवन गुजारना दूसरी गलती थी, तुम्हारे दिए धोखे के बाद भी तुम पर विश्वास करना तीसरी गलती, चौथी गलती सहन करने का अब न साहस है न वक्त, अपनी गलती सुधार रही हूँ, तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक, मेरी दुनिया में अब कभी मत लौटना। एक भागी हुई लड़की, एक भागी हुई लड़की, एक भागी हुई लड़की।